अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रांतीय छात्र नेता सम्मेलन शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर परिषद के प्रांत संगठन मंत्री सत्यभान, गोरख प्रांत के मंत्री भूपेंद्र सिंह, शशांक राय, महेंद्र कुमार, अनूप कुमार भारती सहित परिषद के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की समस्याओं के निवारण के लिए आंदोलन की रणनीति पर विचार रखे। इस दौरान परिषद के विकास और उत्थान पर भी विचार विमर्श किया गया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दोनों आंदोलन वाले छात्रों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश। धन्यवाद संचालक महोदय। आज कोई विद्यार्थी अपने कॉलेज कैंपस में बहुत ही कम लोग होंगे जो भी कक्षाओं में बैठे होंगे, क्लास में बैठे होंगे और क्लास करते होंगे। आज यही जो कैंपस है, यही हमारा पतन का कारण बनता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि छात्र नेता है, हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद लखनऊ की गलियों, दिल्ली की गलियों में अपना प्रमोशन पाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन विद्यार्थियों को याद रखें और कार्य में भी चुनाव लड़ने की कल्चर क्या है। कार्य में भी हम चुनाव लड़ते हैं तो या तो कैंटीन में खड़ा रहते हैं, तो कार्य के पार्क में खड़े रहकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर चार पांच अच्छे मित्रों के साथ घूमते रहते हैं, लॉबिंग करते हैं और कोई हमारी सहभागिता छात्रालय में नहीं रहती है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम विद्यार्थी रहते, हम क्लास में बैठते तो निश्चित रूप से उस गांव के दूर दराज के विद्यार्थी जो आते हैं गांव में, गांव से कर विद्यालय में पढ़ते हैं, महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, निश्चित रूप से उनकी बातें सुनने को मिलता, उनकी समस्याओं को जानने का समझने का हमें मौका मिलता है, हमें और उन समस्याओं को आगे उठाते और उनका हल करते। लेकिन इस सबसे चीज से दूरी है, इन सब की भी हम लोग पूर्ति करनी है। जो संवादहीनता है उस संवादहीनता को खत्म करनी है, जो कम्युनिकेशन गैप है गैप को दूर करने का काम किया जाना चाहिए। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में केवल मात्र 3 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, पूरे विश्वविद्यालयों में किसी भी समस्याओं को लेकर अगर वहाँ के ऊपर यशोटी के पास जाओ तो सीधे जवाब देते हैं कि आपके कदम में नहीं गया था कि आप लोग यहाँ एडमिशन करा लीजिए। इसी सब समस्याओं को लेकर कई बार उन्होंने प्रदर्शन किया वहाँ पे, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स लोगों को नहीं मिला है। और मैं मानिए सत्यमान भाई साहब को कहना चाहता हूँ कि वह सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के लिए कुछ ऐसा करें कि वहाँ भी देखिए कि एक बीवी के साथ यहाँ पे है। हमारे गुरुपद जी ने शिक्षकों की नियुक्ति की है, इससे हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम बहुत ही सौर अच्छे नामों से आ जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में इतनी समस्याएं हैं, 29 डिपार्टमेंट है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, लगभग शौचालय नहीं है किसी डिपार्टमेंट में सही, और जल जल व्यवस्था कई बिल्डिंग ऐसी है कि जल जल व्यवस्था है वहां से पानी टपकते रहते हैं, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है और कुछ ऐसे लाइब्रेरी है जहाँ पुस्तक आते हैं, बजट आते हैं, लेकिन 1-1 करोड़ के बजट आते हैं, लेकिन वहाँ केवल पुस्तकालय 30-40 लाख तक के पुस्तक खरीदे जाते हैं केवल परिचय दिखाने के लिए, और सब पैसा घोटाला किया जा सकता है। और हमारे डिपार्टमेंट में लगभग कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि बच्चे आते नहीं हैं, बच्चे कुछ आते हैं पढ़ने के लिए तो टीचर बैठ के केवल चाय और कोल्ड समोसा खाते हैं, और हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से जाते हैं कहने कि सर आप आइए पढ़ाइए, तो वो लोग कहते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, बच्चे ही नहीं आते हैं, बच्चे भर जाते हैं लेकिन वो लोग जाते नहीं है क्लास में। कुछ ऐसे शिक्षक हैं केवल ऑफिस में बैठ के शिक्षकों से केवल यही कि मैं राजनीति करता हूँ और कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी क्या करेगी, केवल इसी के पार्टी की बात करते हैं।